Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing well. I welcome you in our computer activity class. In the previous class, we have explained and demonstrated you how to create worksheet in MS Excel and format it. In the previous classes, you have learned how to create such type of list and how to format it. In today's class, we will demonstrate you how you will calculate numbers by using different formulas. Friends, are you ready? If yes, let's come and start now. Friends, जैसे कि हमने आप लोगों को last class के अंदर बताया था कि worksheet कैसे बनानी है, उसको जो है कैसे आप लोगों ने डेटा की उसके अंदर एंट्री करनी है और उसको किस तरह से आप लोगों ने अच्छा सा डेकोरेट करना है, जिसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं. इन टुडेज क्लास वी विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट टोटल एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स वन फ्रॉम अदर. इसको टोटल करने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए जो कि आप लोगों को अलग अलग तरीके हैं, बट फॉर्मूला क्या है उसके लिए हमने क्या करना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द चैप्टर एवरी फॉर्मूला एंड फंक्शंस बिगिंस विद इज इक्वल टू साइन. जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन एमएस एक्सेल के अंदर वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है. फॉर्मूला होता क्या है? Formula is a way of calculating numbers in a particular format. Particular format का मतलब क्या, यहाँ पर अगर आपने plus करना है तो उसको plus का formula use करना पड़ेगा, subtract करना है तो subtraction का formula use करना पड़ेगा. But condition ये है, हर एक formula आपका equal to sign से start होगा. उसके लिए क्या होगा, equal to लगा दीजिए. अब आप क्या करते हैं कि ये values हमारे पास पड़ी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है. आप लोगों ने जो है हम इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, इसका एड्रेस आ गया. जो एड्रेस है इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं. इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे. फिर प्लस का साइन लगा दीजिए, नेक्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करिए, फिर प्लस का साइन, नेक्स्ट के ऊपर, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट, प्लस एंड अगेन नेक्स्ट. अब ये देखिए, जो आपके ये 1, 2, 3, 4, 5 सेल्स के अंदर जो डाटा है उनका सेल रेफरेंस जो है उनका एड्रेस यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर आ चुका है. देन प्रेस एंटर, ये आपका टोटल हो गया. इसका कैलकुलेट करना है, इक्वल टू लगाइए, क्लिक ऑन दिस सेल, देन प्लस सिंबल, क्लिक अगेन प्लस, दिस प्लस साइन, फिर इसके ऊपर क्लिक करिए, फिर प्लस लगाइए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और लास्ट में जो है आप लोगों ने एंटर प्रेस कर देना है. ये आप सभी का जो है इस तरह से जो है ये टोटल निकलता जाएगा. ये देखिए फ्रेंड्स, इन सभी का जो है आप लोगों का टोटल यहां पर आ चुका है. ये टोटल निकालने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि हम इसको किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, हमने जो कि इसके सेल एड्रेसेस क्यों यूज़ किए हैं, इसकी वैल्यूज़ क्यों यूज़ नहीं की है. अब इस सेल के अंदर जो है मैं इसकी वैल्यूज़ उठा लेता हूँ. वैल्यूज़ कैसे, इक्वल टू से स्टार्ट होगा आपका फॉर्मूला. सबसे पहले 45 है, फिर प्लस, फिर 45 है, फिर प्लस, उसके बाद 33, फिर प्लस 45, देन प्लस 43. अब यही वैल्यूज आपकी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इसको हम एंटर लगा देते हैं. अब दोनों का जो है टोटल सेम है, टोटल सेम है तो डिफरेंस क्या हुआ. अब इसके अंदर हम जो है नेक्स्ट वाले का कर लेते हैं, इनका भी टोटल, इनका भी जो है आपका टोटल क्या है, 211 ही आ रहा है. अगर आपने करना है अब मैनुअल कर सकते हैं इसको. देखिए, इक्वल टू सबसे पहले है 46 प्लस 43 प्लस 38 प्लस 42 एंड प्लस 23. अब ये देखिए इसका टोटल, ये भी सेम है. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है,
क्यों हम जो है ये वैल्यूज़ वाला ना कर लें, क्यों हम सी टू डी टू वाई इट इज़ सो। ये इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर जो है आप लोग किसी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं देन व्हाट हैपन्स देन, अब डिफरेंस आ रहा दोनों में क्या आएगा वो देखिएगा। सपोज करो आपने SST के अंदर 33 मार्क्स दिए हैं, यहाँ पर आपके जो है 40 मार्क्स हैं, गलती से आपने 33 दिए थे, यहाँ पर 40 आपका हो गया, आपने 40 में एंटर किया, जैसे आप एंटर इसको लीव करेंगे इस सेल को, ये देखिए आपका टोटल चेंज हो गया अपने आप, बट यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। सपोज करिए यहाँ पर आपके 38 आप लोगों ने 23 मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपके मार्क्स 45 थे बाई चांस, आपने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है और यहाँ पर आपका चेंज नहीं हुआ है, जबकि वैल्यू उससे पहले दोनों सेम थी, बट एक जगह पर चेंज हुआ दूसरी जगह पर चेंज नहीं हुआ है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने जो सेल रेफरेंस दिए थे, ये देखिए C4, D4, E4, F4, G4, ये सेल रेफरेंसेस यहाँ पर थे, उसका क्या है मीन्स हमने यहाँ पर इसको सिर्फ इसका एड्रेस बता दिया, ये उसका एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी उसको ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लेगा। ये बेनिफिट है आपका अगर आप सेल रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ को प्लस कर दिया तो ये जो है आप लोगों का चेंज नहीं होगा, चाहे आप यहाँ कोई भी वैल्यू डालें तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों ने यहाँ पर सेल रेफरेंसेस यूज करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम बात करते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, टू नंबर्स को जो है कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए क्या आप लोगों को करना है वो देखिएगा। जैसे आपने प्लस किया उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है इज इक्वल टू, अगर आप ये चाहते हैं कि एक वैल्यू में से आपने दूसरी को माइनस करना है, सिर्फ दो वैल्यू को ही आप लोग माइनस कर सकते हैं, सभी को नहीं कर सकते। सपोज करो मैं यहाँ पर 45 माइनस 42 एंटर प्रेस किया तो कितना 3 आ गया, देखिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर जो है आप लोग वही सेल रेफरेंस यूज करेंगे उसके लिए क्या होगा, इक्वल टू लगाया मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। सपोज कर आप ये चाहते हैं कि टोटल में जो है आपने इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं करने हैं, माइनस का साइन और ये इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अब जो इंग्लिश का सेल है वो G3 है और मैथ्स का जो है आप लोगों का वो आपका जो है 45 है, इसमें से हम प्लस करें तो देखिए मैथ्स, इसके मैथ्स में से इसने इंग्लिश के मार्क्स माइनस कर दिए। अगर टोटल में से माइनस करने हैं, ये आपका टोटल है देखिएगा, आप सबसे पहले इक्वल टू ये टोटल पे क्लिक कर दीजिए, माइनस लगाया इंग्लिश के हटाने में से इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आपका फोर सब्जेक्ट का टोटल आ गया। कैसे करना है दोबारा एक बार और देख लें आप लोग, इक्वल टू लगाया टोटल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद हमने माइनस किया जिसको माइनस करना है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, हमने इंग्लिश को माइनस करना है इस पर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए ये आपका आ जाता है। इस तरह से जहाँ तक भी आप जाएंगे उसी तरह से जो है आपका ये टोटल हो जाएगा सभी का, प्लस करना है प्लस हो जाएगा, माइनस करना है माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने जो है इस तरह से जो है एक वर्कशीट बनानी है और उसके ऊपर जो अपने फॉर्मूलेज एडिशन करने का और सब्ट्रैक्ट करने के फॉर्मूलेज आप लोगों ने अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करने के बाद जो है आप लोग अपनी शीट को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद फोटो खींच करके अपने भेजना है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।